मात्र 10 रुपये में पाए 3 से 4 एलईडी बल्ब। ये कंपनी गरीब ग्रामीण लोगों को दे रही है फायदा। जाने क्या है ये योजना, कैसे ले इसका लाभ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारी वीडियो को शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। एलईडी बल्ब 10 रुपये में मिलेंगे 4 एलईडी बल्ब, जाने क्या है सरकारी योजना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK2 न्यूज में, नई दिल्ली। देश में सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही है। अब इसका इरादा गांवों में बिजली बचाने की योजना को लेकर है। EESL के लोगों के बिजली बिल में कमी लाने और बिजली के बचत के लिए जल्दी ग्रामीण या उजाला नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। क्या है ये योजना, EESL के प्रबंध निर्देशक सौरभ कुमार ने बताया कि इसके तहत गांवों में प्रति परिवार 10 रुपये मूल्य पर 3 से 4 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में करीब 15 करोड़ ग्रामीण परिवार के बीच एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा। बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों NTPC, PFC, REC और पावर ग्रिड की संयुक्त उद्यम कंपनी EESL की इस योजना में लगभग 50 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा। इससे जहां 12,000 मेगावाट बिजली की बचत का अनुमान है, वहीं कार्बन उत्सर्जन में 5 करोड़ टन की सालाना कमी आएगी। पहले भी चला चुकी है ऐसी योजना EESL। अभी उजाला कार्यक्रम के तहत 70 रुपये प्रति बल्ब की दर से 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब का वितरण कर चुकी है, लेकिन इसमें 20% बल्ब ही ग्रामीण क्षेत्र में वितरित की हो पाए हैं। कुमार ने PTI से बताया है कि हम जल्द ही ग्रामीण उजाला कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। अभी इसकी रूपरेखा पर काम जारी है। इसके तहत गांव में प्रति परिवार 10 रुपये मूल्य पर 3 से 4 एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। इस योजना के चरणबद्ध तरीके से 3 से 6 महीने में देश के सभी गाँव में लागू कर दिया जाएगा, ऐसे मिलेगा एलईडी बल्ब। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए केंद्र या राज्य से कोई सब्सिडी नहीं ली जाएगी। इस योजना पर जो भी खर्च आएगा वो EESL स्वयं करेगी। हम कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से लागत वसूल करेंगे। कुमार ने कहा है कि हम गांवों में प्रति परिवार अगर 3 एलईडी बल्ब देंगे तो उसके बदले में 3 पुराने बल्ब लेंगे। हम उनका संग्रह करेंगे और उसकी निगरानी होगी, कितने बल्ब आए हैं और उसमें कितने पुराने हैं, फिर उन्हें नष्ट किया जाएगा। यह अब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र मसौदा सम्मेलन के तहत आने वाली स्वच्छ विकास प्रणाली के अंतर्गत की मंजूरी के तहत होता है। हमें इसके लिए कार्बन प्रमाण पत्र मिलता है। इन प्रमाण पत्रों को विकसित देश में काफ़ी मांग है, जहाँ हम इसे बेचेंगे और एलईडी बल्ब की लागत वसूल करेंगे। ये पूछे जाने पर कि कंपनी पहले से उजाला कार्यक्रम चला रही है, उन्होंने कहा कि हमने उजाला के कार्यक्रम के तहत 70 रुपये की दर से एलईडी बल्ब का वितरण किया है, लेकिन हमने देखा है कि 36 करोड़ एलईडी बल्ब में गांव की हिस्सेदारी 20% है, शायद लगता है बड़ा कारण। इसके लाभ के बारे में उन्होंने कहा है कि पूरे देश में उनके अनुसार इसका एक बड़ा कारण एलईडी की कीमत हो सकती है। गाँव में 70 रुपये एलईडी बल्ब ज़्यादा है। पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश ने एलईडी बल्ब पर सब्सिडी देते हुए उसे 10 रुपये की दर पर बेचा था। इन राज्यों में 95% तक बल्ब गाँवों में पहुँचे है। इसको देखते हुए हम ये कार्यक्रम बना रहे हैं। गाँव को 50 करोड़ से उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब के वितरण से बिजली के अधिकतम मांग 12,000 मेगावाट की कमी आएगी, जबकि ग्राहकों के बिजली बिल में 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में 5 करोड़ टन सालाना की कमी आएगी। कुमार ने कहा कि इससे जहां लोगों की बिजली बिल के रूप में पैसों की बचत होगी, वहीं एक स्तर और बेहतर जीवन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एलईडी बल्ब की मांग से बढ़ने से निवेश भी बढ़ेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कार्बन ट्रेडिंग और प्रमाण पत्र का मामला संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा है, इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन प्रक्रिया चल रही है। हमें वहां से 1-1.5 महीने में मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। कुमार ने कहा कि अगर यह कार्यक्रम सफल रहा तो हम इसी मॉडल पर गाँवों में सस्ती दर पर
ऊर्जा दक्ष ट्यूबलाइट और पंखे भी उपलब्ध कराएंगे। ESL ने उजाला कार्यक्रम के अंतर्गत LED बल्ब के अलावा ट्यूबलाइट और ऊर्जा दक्ष पंखों का भी वितरण किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह, और हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।